हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे लाडवा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री, और नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले। बड़ी खबर आपको बता रहे, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा, नॉमिनेशन फाइल करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आज बड़ा दिन उनके लिए, लाडवा विधानसभा सीट है जहां से चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उसके बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नामांकन दाखिल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और इसके बाद से एक बहुत बड़ा सिलसिला चुनावी प्रचार का शुरू होता नजर आएगा। तो प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ रहा है, और जैसे ही आज नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से लाडवा विधानसभा सीट से, उसके बाद एक नई रफ्तार इस चुनावी प्रचार में नजर आएगी, और तुरंत बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने पक्ष में जनता से वोटों की अपील करते नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रज्ञा निगोड हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रज्ञा ने फिलहाल क्या ताजा अपडेट, बताया जा रहा है कि नॉमिनेशन फाइल आज किया जाएगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से लाडवा विधानसभा सीट से, क्या ताजा अपडेट आपके पास प्रज्ञा ने? जी बिल्कुल, बता देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो आज लाडवा विधानसभा का जो है नामांकन पत्र जो है दाखिल कर रहे हैं, उससे पहले जो है कार्यालय का 9 बजे जो है उद्घाटन करेंगे, और 10 बजे जो है नामांकन पत्र जो अपना दाखिल करेंगे। बीजेपी भी जो है नायब सिंह सैनी के लिए एक सेफ सीट के रूप में जो है लाडवा विधानसभा सीट देख रही है, लेकिन ये कितनी सेफ होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर यहाँ मतदाताओं की बात की जाए तो 1,95,816 जो है यहाँ पर मतदाता है, जिसमें से सैनी समाज के 20% वोटर है, और जाट समुदाय के 18% और यही अगर ब्राह्मण के समाज की बात की जाए तो 11% से अधिक जो है ब्राह्मण समाज के वोटर्स हैं। तो इन सभी को जो है एक साथ में लेकर चलना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो जाट समुदाय से जो है मेवा सिंह जो है विधायक रहे थे, सैनी समाज से पवन सिंह को कांग्रेस डॉक्टर पवन सैनी उनको जो है 12,000 से अधिक वोटों से जो है उन्होंने जो है हराया था। लेकिन अब की बात देखने वाली बात होगी कि क्योंकि मुकाबला जो है ये बहुत कड़ा होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है मेवा सिंह पर अपना दाग देना है, भाजपा जो है एक सेफ सीट के रूप में नायब सिंह सैनी को देख रही है, और वहीं अगर इनेलो की बात की जाए तो पुराने कद्दावर नेता है शेर सिंह वंशामी, उनके ऊपर जो इनेलो ने दाग देना, तो कहीं ना कहीं जो है मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। जी बिल्कुल, हरियाणा के फिसाव में राजनीति को महसूस किया जा सकता है प्रज्ञा ने, बात करें लाडवा विधानसभा सीट की, आज नामांकन दाखिल किया जाएगा, एक नई रफ्तार नजर आएगी चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में प्रज्ञा ने? जी बिल्कुल, देखिए रफ्तार की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी धीरे कॉन्फिडेंस में की जो है वो सेफ सीट है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सैनी समाज की जो है वोट वहां पर ज्यादा है, और इसी को लेकर के जो है जो भाजपा जो है कहीं ना कहीं उसको सेफ सीट रूप में देख रही है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि कितनी वोट सेफ रहने वाली है, क्योंकि मुकाबला जो है कहीं ना कहीं बहुत कड़ा होता जा रहा है, और जो है लाडवा और थानेसर की जो है सीट कहीं ना कहीं वोट सीट के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि लाडवा के खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। प्रज्ञा ने आपने बताया कि चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा, किस समय नॉमिनेशन फाइल करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्या ताजा अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल, बताया 9 बजे जो चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन करेंगे नायब सिंह सैनी, उसके पश्चात जो है 10 बजे अनाज मंडी लाडवा में जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उसके पश्चात 11 बजे जो नायब सैनी जो है एक रोड शो के माध्यम से जनता के बीच मिल जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा ने जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।